हेलो जी, राम राम जी भाई, आप सभी को हमारी तरफ से। और हाँ, सुबह की गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 6 बज चुके हैं भाई। और निकल तने काम से फ्री होके बैठे हैं। अब फ्री हम लगेंगे काम के तो क्योंकि आज से हम करेंगे साफ सफाई मकान की। तो अभी तो क्या नहीं, चाय आई पी के बस अब लगेंगे थोड़ी देर बाद में। और या क्यों आज ना लिखा रहे थे, नहरिया चाय पी लीजिए। तो आ जाइए भाई, चाय पी लीजिए सुबह की गुड मॉर्निंग में। और ये सोमवार की जो सो रहा है वो भी तारा और बिट्टू तय नहीं आज घर पे, खाइए बूढ़ा भगवान का कहीं ना। मन चले जाते। और तुम आई हो तो जीजी खिला रहा है, जिस दिन आई जी जी खाइए पापा को खाइए। तो कर लेते हैं काम और मिलते हैं आपको आगे। आप ही हमारी चाय बन रही है, देख सकते हैं। तेज करें आप उसको मसाला। और आज मैं इसकी साफ सफाई करने वाली हूँ। और ये करने वाली है हमारे जो पीछे का कमरा है, हड्डियों पे चढ़ने वाली है। देखते हैं ना आज तो कोई हमारी चढ़ाऊंगा मैं तो ना चढ़ू छाप। कोई ये अंध कर दियो ना। आज का चक्कर हो रहा, फिर सुखूंगी और कब उखड़ेगी, कल अभी वो तो खेला से दूर उखड़ चाय उखड़ेगी भाई हमारी, तभी तो मैं बाहर रोड रहा हूँ। तो वही यहाँ पे देखो बेसन का बना रही हूँ मैं बाट, क्योंकि हमारी जीजी नहीं आज, इसलिए जीजी चले गए मामा जी के। तो पूरा काम हो गया इधर, भैंसी हमारी चल रही है। और सुबह का टाइम है भाई, 6 बजे का देख सकते हैं। और अब सर्दी पड़ने लग गई है तो यहाँ पे अब चूल्हा जला के सर्दियों में। ये देखो भाई, तो थोड़ी देर में बन जाएगा हमारा भैंसों का बाट, फिर उसके बाद चलती हूँ अंदर। क्योंकि अंदर मकान की साफ सफाई करेंगे तो इसलिए बच्चे अभी तक सो रहे हैं। भाई पी लेते हैं चाय। और इधर यस्सू भी देखो, सुबह सुबह 5 बजे उठ बैठ गो, चाय दूध बना रहे हैं। तो दोस्तों देखो सफाई शुरू हो चुकी है इन लोगों की। क्या कर रही है री, क्या कर रही है तू? फ्रिज को क्यों खोल रहा है तो भाई है ना, हम कर रहे हैं साफ सफाई, तो मैं रसोई कर रहा हूँ तरह हम कर रही है कमरा की। तो देखो मैंने पूरा फ्रिज का कागज धो दियो कंप्लीट, या बहुत बार कचरो निकले हो या मैं क्या पानी ना निकल देते हैं कर दिया निकाल लेंगे निकाल ले। तो भाई कर लेते हैं। और क्या है नहीं मतलब देखो पूरी गीली होगी मैं तो लेवल, मैं भी लग रही हूँ 7 बजे को। पापा जी बनाएंगे खाना दाना साथ, मैं खुद 7 बजे को लग रही हूँ। आप फिर जवान अभी खाऊंगे, बहुत काम है, करो करो। तो वही साफ कर रहे हैं अभी, तो मतलब आधा भी नहीं हुआ है। तो इधर को देखो बर्तन साफ कर करके इधर को रख दिया है। और इसने ये रूम कर दिया है, मतलब कर रहे हैं। तो ये रूम भी देखो साफ हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब साफ करने के बाद में। और इसको पैसे भी मिल गए थे जी लक्ष्मी माता मिल गया। तो साफ करती करती जो कह रही जो अच्छी सफाई करोगे ना तो वाका घर में मतलब लक्ष्मी मैया अच्छी आएगी। तो हम अच्छे से ही कर रहे हैं, तो पैसे भी मिल रहे हैं हमको साफ करती वक्त। हमारी जीजी का ही हो सकते हैं, और तो किसका हो सकते हैं ना, घर में घर काम का पैसा तो कर लेते हैं ना। और फिर बाद में मिलते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारा काम है भाई पूरा। देखो कचरों पर यहाँ पड़े। तो दोस्तों सब्जी काट ली है यहाँ पे हमने, और अब बनाने वाले हैं सब्जी कोड़े की, चकरी की, कद्दू की, क्या क्या बोलते हैं और क्या कद्दू बोलते हैं। तो दोस्तों पूरे दिन की मेहनत के बाद आखिरकार कविता का नंबर आ गया अपने कमरे का, जो इसमें लग गई है। देखो अब इसके कमरे में पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा। अरे अभी देखो मेरे को पर्दे वर्दे सारी चीजें हटानी है, बेड सीट वेड सीट, ये कूलर भी उठाएंगे जो फालतू में रख रखा है यहाँ, इसको चलाया भी नहीं। पानी मोर कार पटक दीजिए ना, कौन मैं पानी मोड़वाऊंगा और क्या। बजे आई लाइट बा, हाँ बाढ़ है बस। तो दोस्तों देखो कविता चढ़ गई, डरती नहीं है दोस्तों चिपकली पिपकली किसी से, बहुत मोटी मोटी है। तो तू बीता गया घुमार, इसे मत कीजिए घुमार।
ये दोस्तों पर्दा खोलने लग गई महारानी। ये काई होगा रे, काला काला क्यों होगा अपना कमरा? ये लगाई ना लगाई नहीं छूटे हैं मेरे। वो सजावट लिया ले वाज लिया वो मेरे बुक ले इसे दे दे। पैसे कपड़ा ले आओ तो पैसे हैं तो सजावट पड़ी है। कहा मैंने भाई मेरा कमरा को साफ करती हूँ क्योंकि हमने एक रसोई एक कमरा तो कर दिया है और नितारंगा मैंने उसका कमरा कर दिया है तो मैं कर दी उन्हें तो फिर दो कमरा और रहेगा फिर ऊपर नीचे मतलब चौक ओक रहेंगे। कल तक हो जाएगा काम मतलब कल तक तो करना है भाई। तो दोस्तों देखो सारा कमरा खाली होने के बाद कैसे लग रहा है। चिपक लिया ये नीचे पीछे गई है। ओ यार देखो दोस्तों कैसे चिपकी पड़ी रहती है ये लोग हैं। हमारे मकान में भाई इतनी सारी छापकली है बहुत सारी है जो डर लगता है कतई। और देखो कमरा बिल्कुल खाली हो गया है कुछ नहीं इसमें रखने के लिए फूल फाल तो आज देखती हूँ लेके आऊंगी भाई मेरे कमरा के लिए। तब भी टू पापा जी जा रहे हैं खेत में पानी मुड़ाने के लिए क्योंकि टाइम हो गया 12 बज चुके हैं। तभी तो भाई भैंसों को शांति करनी है और गोबर ओबर गिरना है और बाकी काम तो भी पड़ा है मेरा बाहर तो कर लेते हैं। और हमारी जीजी तो अभी तक नहीं आई है तो ठीक है दोस्तों और बताएंगे आपको। हाँ तो दोस्तों देखो हमारे गेहूं का पड़ाव होना शुरू हो गया। अरे ये क्या कर रहा है आरू हैं क्या कर रहा है बता। पानी मुड़ वहां मुड़वा पानी तो वहां जा यहाँ क्यों बैठा है उधर जा दादा के साथ। ये दोस्तों ये देखो खाना चल दो देंगे रहने कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो दोस्तों आज हमारा भी आ चुका है मेरा मतलब फ्लेवरसन तो भाई आखिरकार हमें बहुत दिन से सोच रही थी मैं कि मेरे पास भी फिले बटन आए तो आज जार आ गया है तो अब की बात छोटा आना लग गया है ना मैंने बढ़ा चलो कोई नहीं आया तेरे तो कुछ तो हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ फिर मैंने और हमारे जी जी को और बताऊँगा अभी तो जी जी देखो हमारी मेहनती देखो जी जी आज ये आ गए अपने पास मिली है बड़ा वाला ये छोटा है किसे लग रही जी अच्छे लग रहे जी जी का हाथ में। तो भाई हमारे दोस्तों आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ये अच्छा लाइक चलाओ इनका ढंग से ताकि एक और आए सिल्वर बटन अभी आया गोल्डन अब गोल्डन आया वो दू आवे सौंदी सोना में नहीं सिल्वर आया गोल्डन आया हां सिल्वर आया हां तो ठीक है दोस्तों तो बताना भाई कमेंट करके आने तो मेरे को मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आप जाके ठीक है दोस्तों। तो भाई साफ करते करते बच चुके हैं एक तो अब नहाई धोई करेंगे और सामान मतलब जो सामान को भी जमाएंगे तो उसके बाद क्योंकि और भी काम है तो इसलिए तो चलो ठीक है सभी को बाय बाय फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग।